आपने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे, एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे, दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग रेट्स बना रखे हैं, बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट, अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया, वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा, तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है, ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए, राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है, और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, आप सवाल पूछिए, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। सर, इफ वेरी ब्रीफली यू कैन से इंग्लिश हेल्पफुल सर फॉर दोस friends who come from southern part of the country. It is important to understand we are fighting a war with corona. So if you're fighting a war with something, you have to understand what it is. It is important to understand that corona is not a single disease. It is an evolving disease. It changes, it transforms.
And the only way to stop corona is to remove the space within which it moves. To not give it time to move. There are some temporary ways to fight corona. The temporary ways, what I consider to be a brutal way, but possibly required under certain circumstances, is what we are going through today. Lockdown in Delhi, lockdown in other parts of the country, social distancing, sanitization, masks. These are temporary measures and they do not stop the virus. They postpone the virus. They slow the virus down. So for example, when we get rid of the lockdown, the virus will start to work again. It'll start to evolve again. It'll start to redesign itself. The only permanent way we have of fighting the virus is a vaccine. And it is important to understand, the more time we give the virus. Right, so Congress MP Rahul Gandhi there essentially, attacking the center with regard to their COVID management plan, saying that there are only temporary measures to tackle COVID, which the center seems to be following. And temporary measures can only slow down the pace of the virus's spread, not completely remove it. So Congress there taking on the center regarding to COVID management and planning. Time for us to slip into a short break right now.